तो नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को उत्तरायणी कौतिक की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो है मैं उत्तरायणी कौतिक मनाने के लिए खटीमा की ओर चल दिया हूं और अब मैं खटीमा जाके दिखाऊंगा कि वहां पे उत्तरायणी का त्यौहार किस तरह सेलिब्रेट किया गया। ये माता की आरती के बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक अच्छा काम किया कि ये कुत्ता जो है नीचे से पानी पी रहा था तो मैंने उसको जो है एक गिलास में पानी भर के दे दिया, पर पानी अब वो पी नहीं पा रहा है। फिर से मैंने फुल करा और उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद हम जो है गेम खेलने चले गए। यहाँ पे हमारे भाई आए थे, ये भी नगला साइड के ही है और देखो इन्होंने पेप्सी की बोतल जीती। उसके बाद फिर से प्रयास करेंगे, काफ़ी प्रयास करे इन्होंने, कई बार ये विफल भी हुए परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। और देखिए उसके बाद फिर से अब ट्रॉफी का डिब्बा भी ले जाएंगे जो सामने दिख रहा है। अब देखो ये प्रयास चल रहा है इनका, ये देखो डिब्बा इनके हाथ में आया। अब इन्होंने डिब्बा लिया, भाई का मुँह थोड़ा सा उदास है क्योंकि वो अपना जो ये गेम था उसमें हारते जा रहा है। अब देखना एक के बाद एक एक बोतल इनके पास आती जाएंगी, पर ये प्रयास करते रहेंगे। अभी फिर से हारे और ये फिर हारे और उसके बाद पुनः प्रयास करते थे। देखो ये आधी बोतल और भाई का चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, कितना खुश है। एक और बोतल आई, उसके बाद क्या कहते हैं फिर से डाला, नहीं गया। ये देखो ये छोटी की बोतल आ गई, ये मैंने मांग ली थी अपने में कि मैंने कहा मैं पीऊंगा यार, अभी इतनी सारी बोतल जीते हो तुम। ये देखो कितनी सारी इकट्ठा हो गई। इन्होंने पहले भी 15 बोतल बना ली थी एक जगह से, उस भाई को बढ़िया से लूट लिया था इन्होंने, उसके बाद वो सारी बोतलें बेच दी इन्होंने। ये देख ये फिर से मिस हो गया। ये आ गई देखो स्प्राइट की। मैंने इनसे कहा यार एक दो बोतल और दे जाओ मेरे को, तो उन्होंने कहा बहुत है इतनी बोतल। ये देखो एक बोतल और आती है। फिर मैंने खिचड़ी खाई। उत्तरायणी कौतिक जैसा कि पता ही आपको संक्रांति त्यौहार है तो खिचड़ी बनती है। ये मेरे साथ का दोस्त है, ये भी खिचड़ी मांगने चल दिया। इसको पहले अचार दिया, एनर्जी कैप्सूल तो मैंने दिए, जो मिर्च रखी है इसको मैंने ही दिए थे, बाद में मैंने कहा ले खा। और ये खिचड़ी और मिल गई इसको, ये कितना खुश है, ये मैं खिचड़ी खा रहा हूँ। देखो शानदार खिचड़ी हुई थी। उसके बाद फिर हम डांस देखने चले गए उत्तरायणी कौतिक में और ये डांस चल रहा है। माठू माठू हीट झबर गिरली मेरी सुमना पहाड़ों का बाट बल खुट रड़ली मेरी कुपना। माठू माठू हीट झबर गिरली मेरी सुमना पहाड़ों का बाट बल खुट रड़ली मेरी कुपना। कॉपीराइट आ जाता है यार गानों में, मैं खुद ही गा लेता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे उसमें। तो देखा मैं आमंत्रित करता हूँ बच्चों को अपने कर कानून डाला। उसके बाद हम झूले की तरफ चल दिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पहले तो नीचे से वीडियो बनाई, उसके बाद फिर हमें टिकट मिला और हम जो है झूले में बैठ गए। ये मैं और मेरा दोस्त रोहित बैठे हैं, इसका कल बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे फिर से कह देता हूँ इसको। तो हम दोनों झूले में बैठे और ये ऑक्टोपस वाला झूला था, तो ये झूला स्टार्ट हो गया, कितना मज़ा आ रहा था। फिर हम ये झूले को जैसे जैसे इंजॉय करते रहे, हमने कहा यार देख डर तो लगी रही है, पर डर के आया, डर के आगे जीत है। पर माउंटेन ड्यू थी नहीं हमारे पास उस टाइम, पर हमने कहा कोई नहीं ऐसे ही मज़े ले लेते हैं। तो देख सकते हो आप हम दोनों ने कितने मज़े लिए। उसके बाद जैसे ही हम ये ऑक्टोपस से उतरेंगे फिर अगले झूले की तरफ चल देंगे, तो हम दोनों को काफ़ी मज़ा ही आ रहा था। वैसे क्या कहते हैं हम दोनों अकेले ही थे, मतलब दोनों क्या अकेले होंगे, मतलब वैसे दो अकेले थे, कोई साथ नहीं था हमारे। फिर हम ये ऑक्टोपस में खूब मज़े ले रहे थे। ये नीचे की तरफ को आ गया था, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा। उसके बाद फिर मैं ये गोल चरखे में बैठ गया, बस एक झलक उसको देखा दिल में उसकी तस्वीर लगी, तो ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा मैं खुद ही गा लेता हूँ, अपना डर तो ख़त्म कर लेता हूँ। मैं अकेला ही बैठ गया था इसमें, मेरे संग एक झूले में जो चढ़ता है ना वो झूला चलाने वाला वो बैठा हुआ था, छोटा सा था वो भी। तो मैंने कहा ले इसकी भी वीडियो बना देते हैं। तो ये काफ़ी अजीब तरीके से देख रहा था इधर से उधर। मैंने कहा ले यार फ़ोन पकड़ मेरी भी वीडियो बना। तो उसने कहा लाओ भाई, फ़ोन दिया उसको मैंने, उसने मेरी वीडियो बनानी चालू कर दी। तो मैंने कहा बड़ा मज़ा आ ही रहा है। तो फिर मैंने कहा ले यार ढंग से पकड़ फ़ोन, मैं थोड़ा सा और मज़े ले लूं। तो उसने फ़ोन तो पकड़ ही लिया, मैंने कहा ले भाई वीडियो बनाओ। अब वीडियो जैसे ही यहाँ से ख़त्म हुई, हमने कहा चलें क्या और झूले में, तो नाव की तरफ चल दिए। तो ये देख सकते हो पड़ोस वाला रोहित भाई और इसकी तो हालत ख़राब हो रही थी, प्रदीप की क्या यार ऐसी हालत ख़राब है ये। फिर उसके बाद ब्रेक डांस में चले गए, तो काफ़ी मज़ा आया ब्रेक डांस में। फिर ये प्रदीप भाई अपने जो झूले में डर रहे थे नाव में, ऐसा दिख रहा हो क्या सच्ची में? नहीं नहीं सही लग रहा है, स्मार्ट सही लग रहा है।
फिर हम अगले झूले की तरफ को जा ही रहे थे तो ये आप देख सकते हैं अब दो लेडी बाउंसर्स आएंगी जो क्या कहते हैं झूलों में निगरानी कर रही थी, काफी प्यारी थी ये भी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमारे कॉलेज की कुछ साथ के बच्चे मिल गए थे और ये मेरा दोस्त रोहित है, इसने मुझे कुल्फी खिलाई थी, तो ये कॉलेज के फ्रेंड है मेरे। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं रोहित के संग कुल्फी खाई, फिर मैंने अकेले भी कुल्फी खाई, मतलब रोहित ने ही दी थी ये मुझे। उसके बाद फिर हम आगे चल गए झूले की ओर। फिर ये चाउमीन खाने में बैठ गया था। भैया पहाड़ियों की तो चाउमीन होती है ना कि चाउमीन, पहाड़ी हैं हम तो पहाड़ी क्या कहते हैं चाउमीन, तो चाउमीन खाई मैंने उसके बाद और बड़ा मज़ा आया इस चाउमीन में। हाफ प्लेट चाउमीन थी, फुल प्लेट क्या करता अकेला ही था मैं, तो मैंने क्या करा चुपचाप चाउमीन खाई। उसके बाद फिर मैं इधर उधर देख रहा था, मैंने कोई और आएगा तो वो भी खा लेगा साथ में, पर कोई नहीं आया, तो ये देखो कैसे गिरती है चाउमीन। उसके बाद ये कुछ प्लेट थी मेरी जो आपके सामने आ गई है, तो ये प्लेट लगवाई थी मैंने। फिर चाउमीन खाने के बाद हम आगे बढ़े अपने कॉलेज के भैया जो कि समोसे लगाते हैं बड़े ख़तरनाक, उनकी वाइफ है और ये हैं दोनों समोसे बेच रहे हैं, तो ये बड़े मस्त समोसे लगाते हैं, मैंने आपको पहले भी इनको दिखाया था। आज कॉलेज के बाहर ये उत्तरायणी कौतिक के मेले में आ रखे हैं तो काफ़ी लोग समोसे इनसे खरीदने आए हैं। फिर उसके बाद देखो ये कुछ दुकानें, ये बच्चा जो है बजाने के लिए पीपी वाला लेके बैठा था, तो यहाँ ख़रीदारी चल रही है लोगों की। फिर ये खिलौनों की दुकान थी, छोटे छोटे खिलौने थे इसमें, और ये सेल लगी पड़ी है यहाँ पे, देख सकते हो कितनी भीड़ लगी पड़ी है, कपड़ों की सेल है। ये हर माल 20 रुपए। फिर ये हम सबकी फेवरेट टॉफ़ी जो बचपनों में मिलती थी, जल जीरा इमली वाली टॉफ़ी, अलग अलग टॉफियां थी, तो यहाँ से मैंने टॉफ़ी तो क्या ही लेता, पर फिर मैं उसके बाद आगे चल दिया। तो ये शानदार फूलों की दुकान अब मुझे दिखेगी, ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल रखे हैं यहाँ पे, ये फूल बेच रहे हैं ये लोग, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, ये नकली फूल हैं पर इनकी सजावट देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, तो आंटी अभी मोल भाव कर रही हैं। तो ये फूल हैं, फिर मुझे भी कुछ फूल पसंद आए तो मैंने क्या करा एक फूल अपने के लिए लिए, अंकल खड़े हो गए। तो मैंने ये अपने के लिए फूल पैक करवा लिए हैं पन्नी में, और ये आंटी ने कहा कि पैसे हो गए इनके तो ये पैक फूल मेरे को दे दिए। फिर मैंने ये फूल लेके आगे बढ़ा और घर की तरफ वापस आने लग गया। तो मेरी आज की जर्नी में उत्तरायणी के मेले में काफ़ी मज़ा आया, मैं घर की तरफ वापस आया। फिर जो मैंने फूल खरीदे थे वो मैंने अपने गमले में लगा दिए हैं, तो कितने प्यारे फूल लग रहे हैं यहाँ पे। इसकी तरफ दूसरी तरफ एक और फूल लेना है तो अगली बार ले लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।